नमस्ते। बहुत सी जगहों से बहुत तरह के समाचार, बहुत तरह की सूचना जो हम लोगों को मिलती जा रही है, प्रसन्नता खुशी की लहर मानो बस लहराते जा रही है, उमड़ती जा रही है, ऐसा महसूस हम लोगों को होता है। और यही महसूस हमारे सदस्य लोग या जो क्रिया कुंडलिनी को कर रहे हैं, क्रिया कुंडलिनी के बारे में जान रहे हैं, वो लोग उस खुशी को पा रहे हैं। कितने फ़ोन कॉल, कितने तरह के मैसेज और ना जाने क्या क्या लोगों को अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए शायद ये भी कम पड़ रहा है। बहुत सी खबरें हम लोग तक पहुंच रही हैं। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लोग अपने आप में पूरी तरह से खुश हैं। और क्या चाहिए, कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि ना जाने कितने सालों से शायद इसकी लालसा उनमें बनी हुई थी और वो इसे पा नहीं सके थे, और आज और इस अपार खुशी को वो प्रकट कर रहे हैं हम तक। हम लोगों को अच्छा लगता है जानकर कि लोग काफ़ी हद तक बहुत खुशी से हर चीज़ को, हर क्रिया कुंडलिनी को पूरी तरह से करने में वे लोग समर्थ हैं। कई लोगों को तो ऐसा महसूस होता है जैसे ही वो ध्यान कर उठते हैं या ध्यान में रहते हैं या क्रिया कुंडलिनी करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगती है, और बस उस खुशी को वो लोग ऐसे ही बहने देते हैं। और कई लोग को, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कई लोग तो गूंगे बन जाना चाहते हैं, अर्थात वे लोग पूरी तरह से अपने आप में खामोश रहना चाहते हैं, अपनी खुशी को ऐसा महसूस करते हैं कि वो अंदर ही अंदर उसे अपने आप में महसूस करें, उस खुशी को। तो इस प्रकार कई जानकारियाँ, कई खबरें हम तक पहुँचती हैं जो बहुत ही खुशी देती है हम लोगों को भी और लोगों को भी। ये जो दैविक की क्रिया है, क्रिया कुंडलिनी है, स्वाभाविक है कि इस खुशी को पाना। इस क्रिया कुंडलिनी से बहुत सी जानकारी, बहुत सी ऊर्जा, बहुत से अनुभव लोगों को प्राप्त हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किताबों में ही अपने आप में, अपने आप को या कुछ खोजना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों को एक मैसेज आया था कि आप जो सिखा रहे हैं, आप जो क्रिया कुंडलिनी कर रहे हैं, वो क्रिया कुंडलिनी है ही नहीं, आप मेरी किताब में जाइए, मेरी किताब को पढ़िए, आपको मालूम चलेगा। उनकी किताब पढ़ने से क्या होगा, हम भी रट्टू तोता बन जाएंगे। रट्टू तोता से तात्पर्य समझते हैं ना कि तोता को कुछ सिखाओ तो बस उसी उसी को बोलते रहता है। तो यही हम लोगों के साथ भी होगा कि अगर हम किताब पढ़ने जाएं। आप लोग तो जानते हैं कि वॉइस ऑफ बाबा जी में डॉक्टर जी, गुरु जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि किताबों को फेंक दो, किताबें नहीं चाहिए हमें। क्योंकि ये जो किताबें ये लिख रहे हैं, ये अपने अनुभव से नहीं लिख रहे हैं, ये लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं, अन्वेषण करते हैं। कई किताबें, ना जाने कितनी ही किताबों के शब्द, किताबों के वाक्य लेकर ये एक किताब लिखते हैं, तो उसमें उनके अनुभव नहीं होते। देखिए, हम उन व्यक्ति को जिसने ये कहा था, हम आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, हम आपकी उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, बस हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि ये क्रिया कुंडलिनी है ही नहीं तो छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। अगर आपको हमारा ये YouTube देखने की इच्छा नहीं है, अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो बेशक छोड़ दीजिए। हम लोगों से हम लोग यही कहते हैं
कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो बेशक इसे छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, हमें किताब नहीं चाहिए। हमारे जो मास्टर हैं सर्वोच्च हैं, हमारे मास्टर की हम सुनते हैं, हमारे मास्टर हैं हमारे साथ जो हमें ज्ञान का भंडार हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, और जो हमें वो दे रहे हैं वो हम लोग क्रिया कुंडलिनी के रूप में ही ले रहे हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते, हम लोग खुद नहीं किसी कोई पैटर्न हम नहीं चाहते, हम लोग कोई लेबल लगाना नहीं चाहते, हम लोग कुछ और बताना नहीं चाहते, हम तो बस किसी वाद विवाद में भी पढ़ना नहीं चाहते। हमें दैविक से महाअवतार बाबा जी की तरफ से जो आ रहा है बस वो हमारे लिए काफ़ी है, और ये क्रिया कुंडलिनी के रूप में आ रहा है तो हम इसे क्रिया कुंडलिनी के रूप में ही लेंगे। हमारे सुप्रीम मास्टर महाअवतार बाबा जी अदृश्य रहकर ही हमें सारा ज्ञान दे रहे हैं, अदृश्यता में ही हमें सभी प्रकार से अपने ज्ञानों को, अपने ज्ञान के भरमार को हम तक भर रहे हैं। हमारे लिए ये बस यही काफ़ी है, हम इससे अधिक और कुछ जानना चाहते भी नहीं हैं। 50-60 साल पहले जो विद्वान लोग थे, जो बाबा जी के संपर्क में थे, महाअवतार बाबा जी के संपर्क में थे, और जो क्रिया कुंडलिनी को जो उन्होंने सीखा था या क्रिया कुंडलिनी जो जानकारी रखते थे, क्या वो समापन था? नहीं। श्री कृष्ण जी के अनुसार चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, अर्थात परिवर्तन दिन का क्रम है और परिवर्तन सहज है, परिवर्तन होना भी चाहिए। ये परिवर्तन जीवन में चलता ही रहता है, आगे भी चलता रहेगा। हम लोग सप्तऋषि के बारे में जानते हैं, क्या सप्तऋषि के बाद कोई अष्टऋषि आ नहीं सकते? क्यों नहीं आ सकते? अष्टऋषि भी आ सकते हैं, नौ ऋषि भी आ सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर कोई और ऐसा ऋषि आए जो सप्तऋषि में एक और जोड़ दे, अष्टऋषि बन जाए। तो ये परिवर्तन होता ही रहता है जीवन में, हर चीज कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगा सकता, सभी अर्धविराम में ही चलते हैं हम। ना आरंभ है ना अंत है, हम तो केवल बीच में हैं, और आज हम नौवें स्टेप की ओर आ रहे हैं। आज हमारा नौवां स्टेप है। नौ एक बहुत ही अद्वितीय नंबर है, एक बहुत ही चमत्कारिक नंबर है, बहुत ही विशेष है। ज्योतिष के अनुसार नौ जो है वो मंगल ग्रह की ओर इशारा करता है। मंगल जो है वो सुब्रमण्य, वेला, कार्तिकेय, आर्मुगम, कुमरा, वडिवेला, इसकी ओर इशारा करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो तीन हैं, तीन जो है वो गुरु है, और जो छः है वो शुक्र है। ये दोनों गुरु हैं, एक है देव गुरु और एक है असुर गुरु। इन दोनों में से किसी एक गुरु का भी अगर हमें सामीप्य मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत से जन्मों के पुण्य कहलाते हैं। और इसी तरह ये दोनों गुरु जो हैं अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और सर्वोच्च हैं, और अगर ये दोनों गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर दुनिया में और कुछ चाहिए ही नहीं किसी को। तीन और छः को अगर मिलाया जाए तो ये नौ बनता है। नौ ये स्टेप जो आज हम करने जा रहे हैं। महाअवतार बाबा जी सुब्रमण्यम, कार्तिकेय, वेला और आर्मुगम, जो कितने ही नाम हैं इनके, जो पढ़नी के स्वामी हैं, उनके बहुत बड़े भक्त थे। और बाबा जी सिलोन श्रीलंका से कहा जाता है, लंका, ऐसे बहुत सी जगह पर वे गए। 18 सिद्धों में जो एक सिद्ध हैं भोगनाथ, भोग महर्षि, जो बाबा जी के इमीडिएट गुरु भी हैं, उन्होंने कदरगामा, श्रीलंका के कदरगामा में जाकर वहाँ उन्होंने एक चमत्कारिक यंत्र भी
उन्होंने वहाँ रखा और वही यहाँ पळनी में आकर पळनी में सुब्रमण्यम, कार्तिकेय, कंदा, कुमरा इनकी भी स्थापना इन्होंने यहाँ पर की, जो नवपाषाण से बनाया गया था। इन्होंने इनकी स्थापना यहाँ पर की और यही एक और जगह वैतीश्वर कोइल अर्थात वैतीश्वर मंदिर जो है वहाँ पर भी यही सुब्रमण्यम, कंदा, कुमरा, वेला ये एक वैद्य के रूप में वहाँ पर हैं, अर्थात एक डॉक्टर के रूप में हैं। वहाँ से बहुत से लोगों को अपनी कई बीमारियों का समाधान मिल जाता है, वैद्य जो सभी रोगों का निवारण करने वाले। ये नौ जो है ये समाप्ति भी है और आरंभ भी है। अगर शून्य नहीं आता और एक के साथ जुड़कर वह दस नहीं बनता तो नौ जो है वो समापन ही था उसका। और फिर अगर हम इस शून्य के साथ में फिर शुरू करें तो एक और एक मिलकर दो, फिर एक और दो मिलकर तीन, फिर ये वापस शुरू होता है, अर्थात ये पुनर्जीवन के रूप में जीवन का ये जो क्रम है ये चलता जाता है। सनातन धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने के पहले, शुभारंभ करने के पहले विनायक, गणनायक, गणपति इनकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात नवग्रह की पूजा होती है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और इसके साथ में दो उपग्रह जो हैं राहु और केतु। प्राचीन काल में पहले नवग्रह के पहले वे लोग नाग देवता की पूजा करते थे, सर्प की पूजा करते थे। सर्प बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपने देखा भी होगा। और शायद यही कारण है कि महाअवतार बाबा जी का नाम भी नागराज ही है, अर्थात बुद्धिमानों के बुद्धिमान, निर्माणकर्ता। अपने दो पुत्र विनायक जिनकी पूजा कोई भी कार्य के शुभारंभ के लिए उनकी पूजा की जाती है, और जो कार्तिकेय हैं वो नौ ग्रह के एक विशेष ग्रह मंगल के अधिपति हैं। और ये मंगल जो है युद्ध को दर्शाता है और युद्ध से तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि आरंभ और अंत को दर्शाता है। तभी नौ समाप्ति की ओर जाता है, लेकिन यही फिर वापस जुड़ते हुए एक दो तीन चार इस प्रकार आगे आने लगता है। जैसे हमने कहा नौ ग्रह, उसी प्रकार नौ धान्य, जो नौ धान्य है, नौ प्रकार के जो धान्य हैं ये हर एक ग्रहों की शांति के लिए दान के रूप में दिया जाता है और इसे ऑफर किया जाता है। जैसे गेहूं है वो सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि का सूचक है और जो गेहूं है वो भी अग्निकारक है। और इस प्रकार जो चंद्रमा है वो चावल के लिए और तूर दाल जो है वो मंगल के लिए, चना जो है गुरु के लिए और मूंग जो साबुत मूंग है वो बुध के लिए, तथा सफ़ेद बीन्स वो होता है शुक्र के लिए, और जो काला तिल है वो शनि के लिए डाला जाता है। और इसी प्रकार जो और जो दो उपग्रह हैं हमारे राहु और केतु, उनके लिए जो राहु हैं उनका उड़द, काले रंग का जो साबुत उड़द होता है वो, और कुलती कहा जाता है वो है केतु के लिए। तो इस प्रकार नौ धान्य, नौ द्वार, हमारे शरीर में नौ द्वार हैं। दो आँखें हैं, दो कान, दो नाक के छेद, दो गुप्त इंद्रियां और एक मुंह। कहा जाता है कि पहले लोग कहते थे कि जब मौत आती है तो इन्हीं किसी द्वारों से ये हमारी जो आत्मा है वो बाहर निकलती है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से पता नहीं क्यों हम लोग इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते,
क्योंकि हम लोग जहाँ तक जानते हैं, हम लोगों को जो रिवील हुआ है वो कहते हैं कि सिर के ऊपर के भाग से वो हमारी जो सांस है वो निकलती है, या फिर हाथ के इस भाग से निकलती है। खैर, अब ये जो बहुत ही कठिन विषय है, इस पर अभी हम लोग को बहुत आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। हम आगे हैं नवांश। नवांश जो है ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी लड़की या लड़कों के विवाह के लिए देखा जाता है तो उनका जो चार्ट बनाया जाता है उसके साथ ये नवांश चार्ट भी बनता है। और ये नवांश चार्ट बहुत ज़रूरी है कि उनके जो पति के रूप में आने वाले या उनकी पत्नी के रूप में जो आने वाले हैं वो कैसे होंगे, उसके बारे में ये जानकारी हमें देता है। तो कोई भी जो बड़े बड़े ज्योतिष होते हैं वो विवाह के लिए जब देखते हैं तो वो कभी ना नवांश चार्ट देखे वे लोग इसकी हामी नहीं भरते हैं। नवपाषाण से तात्पर्य है नौ तरह की जहर विष, नौ तरह के विष। जैसे अभी हमने बताया आपको कि भोगनाथ महर्षि जो हैं वो नवपाषाण से मुरगर की मूर्ति बनाए थे, सुब्रमण्यम की मूर्ति उन्होंने स्थापना की थी। ये जो नौ विष हैं ये अलग अलग विष हैं, हालांकि इनके नाम जैसे भी हम लोग ढूंढ सकते हैं लेकिन इनके जो अनुपात है डालने की वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। अगर इसका अनुपात सही ना हो तो वो गलत हो जाता है। इसको सही अनुपातों में मिलाकर ही इसे बनाया जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आता है। जैसे ये कार्तिकेयन की जो मूर्ति है पड़नी में, इनके जो दूध से पानी से उनका जो अभिषेक होता है या फिर दही या पंचामृता जो कहा जाता है, तो इसका भोग लगाकर इसको अगर लेने से बहुत तरह की कई तरह की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसका जो अनुपात है वो बिल्कुल सही है। इनके नाम इस प्रकार हैं: वीरम, पूरम, रसम, जातिलिंगम, कंडगम, गौरी पसनम, वेल्लई पसनम, मृधर सिंह या मयूर सिंह और शिला सत्या शिलाजीत। तो इनके नाम जरूर हमें मिल सकते हैं लेकिन इनके अनुपात जो हैं वो अभी भी बहुत ही रहस्य के तौर पर रखा गया है, जो हर कोई नहीं जान सकता। नौ रंग, जैसे VIBGYOR, तो ये रंगों के जो नाम हैं ये सात हैं। और इसके अलावा एक और रंग इसमें मिलता है, वो है इन्फ्रारेड, और इसके पहले जो है वो है अल्ट्रावायलेट। तो इसे मिलाकर ये नौ रंग बनते हैं। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येल्लो, ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड। तो ये नौ रंग। हमारे भारतीय परंपरा में भरतनाट्यम का बहुत ही महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा नौ रस जो है ये हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, बहुत छोटे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसे व्याकरण के तौर पर नौ रस भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इस नौ रस को कितनी सुंदरता से अपने मुखों के हाव भाव से, अपने उंगलियों के, अपने हाथों के हाव भाव से वे लोग इन सभी नौ रसों को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाते हैं। ये जो नौ रस है, श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब है लौ, उसके अलावा हास्य रस, हास्य का मतलब है हंसी, खुशी, करुणा रस, नाम से ही पता चलता है करुण, करुणामयी, रौद्र रस, एंगर, गुस्सा दिखाना, वीर रस जो वीरता को दर्शाता है, करेज, भयंकर अर्थात भय को प्रदर्शित करता है, डिस्कस्ट, विभत्स रस, अद्भुत, आश्चर्य,
और शांत रस जो शांति को दर्शाता है। नौ रत्न, रत्नों में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, सुना है। ये जो नौ रत्न हैं ये ग्रहों को भी संबोधित करता है। रूपी माणिक्य जो सूर्य को दिखाता है, पर्ल मोती जो चंद्र को दर्शाता है, येल्लो सफ़ेद पुष्यराग जिसे कहते हैं ये गुरु अर्थात बृहस्पति को दर्शाता है, हेसोनेट गोमेद जो राहु को, एमराल्ड पन्ना जिसे अपन कहते हैं बुध को दर्शाता है, डायमंड हीरा शुक्र को, कैट्साई इसे लहसुनिया भी कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से बिल्ली की आँख के समान दिखता है, ये केतु के लिए है, ब्लू सफ़ेद या नीलम शनि के लिए, और कोरल मूंगा वो मंगल के। ये जो नौ रत्न हैं ये सात धरती के लिए, अर्थ के लिए, और जो दो है वो पानी से संबंधित है। नौ शक्ति, हालांकि ये जो नौ शक्ति है हम लोगों ने इस नाम पर पिल्स भी बनाया है, ये आध्यात्मिक तौर से नौ शक्ति का पिल्स बना है जिसमें हर तरह की शक्ति विद्यमान है कहा जा सकता है और जो बहुत ही लाभप्रद है। ये जो नौ शक्ति हैं ये अलग अलग देवियों के नाम पर हैं और इन्हें अलग अलग रूप में पूजा जाता है। बनशंकरी देवी बादामी में, यल्लम्मा बेलगाम में, अन्नम्मा देवी बेंगलुरु सिटी में, परमेश्वरी गोकर्णा में, अन्नपूर्णेश्वरी होरनाडु में, दुर्गा देवी कटिल में, मूकाम्बिके कोल्लूर में, चामुंडेश्वरी मैसूर में, और शारदम्बा सरस्वती जो हैं वो श्रृंगेरी में। तो ये नौ शक्तियाँ हैं, इनकी अलग अलग शक्तियों से मिला हुआ ये नौ शक्ति बनता है और इन्हें हर रूप में पूजा जाता है। नौ स्थिति, हालांकि इस नौ स्थिति के बारे में हम लोगों ने इसके पहले भी बताया है, जैसे बॉडी, बर्थ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, सेल्फ, डिसअपीयरेंस और रीअपीयरेंस। अर्थात जैसे हम लोगों ने बताया था कि बर्थ बॉडी के बाद जो है शरीर के आने के बाद जन्म आने के बाद माइंड के बाद दिमाग बुद्धि, उसके पश्चात बुद्धि आते साथ याद मेमोरी, उसके बाद आता है ईगो, और जहाँ ये ईगो आता है बस वहाँ से हर चीज़ की समाप्ति शुरू होती है, और उसके बाद फिर खुद स्वयं सेल्फ, और इसके पश्चात है डिसअपीयरेंस अर्थात मृत्यु, और मृत्यु के पश्चात फिर से रीबर्थ। हम लोगों ने आपको सात तक बताया था, अर्थात सेल्फ तक हम लोगों ने बताया था, और ये दो और हैं जो नौ स्थिति को दर्शाता है, वो ये हैं कि डिसअपीयरेंस अर्थात मृत्यु और रीअपीयरेंस अर्थात रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म। थर्ड आई, तीसरी आंख। अब जैसे हमारे इस नौ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अब हम आगे आ रहे हैं, तीसरी आंख जो अदृश्य है। हम कई चीज़ें करते हैं लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं, अर्थात इसकी तरफ हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित करते ही नहीं हैं हम लोग उस पर, वो क्या है। तीसरी आँख की ओर हम चलते हैं लेकिन जहाँ तक सोचते हैं कि जब हमारे जो दृश्य अर्थात जो दिख रहे हैं जो दो आँख, उसे ही हम लोग पूरी तरह से ध्यान नहीं देते, उसे ही पूरी तरह से हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, तो फिर तीसरी आँख की तरफ क्या सोचें। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हम देख सकते हैं, जो दो आँखें हमें हमारे इस फिज़िकल बॉडी में जो दो आँखें दिखाई पड़ रही है हमारे शरीर में, इसका उपयोग हम पूरी तरह से हम लोग नहीं करते, अर्थात इसे हम लोग स्वस्थ रखते ही नहीं हैं। अगर इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, इसे स्वस्थ रखते हैं, तो फिर किसी को भी चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर किसी को भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जो आजकल लेज़र ट्रीटमेंट वो सब करते हैं उसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो हमारे सिद्ध लोग थे, हमारे पुराने सिद्ध, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण
जो सिद्ध लोग थे वे लोगों को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अर्थात चश्मे की, कॉन्टेक्ट लेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वे लोग अपनी आँख को बहुत ही स्वस्थ रखते थे, उनकी आँखें काफ़ी तेज रहती थी। और उसका एक कारण था कि आँखों का व्यायाम। हालांकि हम लोगों ने अपने बाबा जी सन्निधान में भी आँखों के व्यायाम के लिए एक लगाया है जो बल्ब के रूप में है, वो बल्ब के रूप में जलता है उस टाइप का है जो हम अभी आपको दिखाते हैं। जो सिद्ध लोग थे उन्हें ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमें बहुत ज़रूरत है, हमें अपनी आँखों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उसे बहुत ही शक्तिशाली बनाना चाहिए, उसे बहुत ही सक्रिय बनाना चाहिए, उसे बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अदृश्य तीसरी आँख की ओर चलते हैं। और जो आँखों का व्यायाम है ये हमारे इस 9वें स्टेप का बहुत ही मुख्य है। ये कैसे हम आपको बताते हैं आँखों का व्यायाम किस प्रकार करना चाहिए। और जो ये बहुत से लोगों ने बहुत तरह के व्यायाम बताए हैं, बहुत सारे तरह के चार्ट बनाए हैं जिसे देखकर लोग आँखों का व्यायाम करते हैं, बहुत सी तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन आज जो हम आप लोग के समक्ष रख रहे हैं ये सिद्धों के द्वारा बनी हुई है, महाउत्तर बाबा जी के द्वारा सीधे पहुँची हुई हम तक। ये व्यायाम जो हैं ये आपको बहुत ही सरल सीधे तौर पर है और ये आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। ये व्यायाम हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। आँखों के व्यायाम को ये जो हम आपको दर्शा रहे हैं, अभी जो आपको बता रहे हैं, ये बहुत काफ़ी है। अगर आप इसे 11 दिन तक करते हैं तो बहुत है, और लेकिन अगर आप उसे 21 दिन करेंगे तो ये और भी अच्छी बात होगी। लेकिन इसे अगर आप दिन में कैसे कर सकते हैं इसे हम आपको बताते हैं। आप सुबह उठिए, मुंह के अंदर पानी डालकर खुला कीजिए, आँखों में पानी डालिए, बस इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आप अगर आपको गर्म पानी पीना है गर्म पानी पीजिए, या फिर अगर आप ठंडा पानी पिएंगे वो आपकी इच्छा है। उसके पश्चात आप एक जगह बैठिए, आराम से बैठिए, जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं आप लोगों को, आराम से बैठिए और इसे ध्यान से देखिए आप लोग, तभी आप लोग इसे कर सकेंगे। देखिए आँखों की जो ये दो कोने हैं आप लोग देख सकते हैं, आँखों की ये जो दो कोने हैं उसमें आपको आँखों की पुतलियों को ले जाना है। जैसे आपका जो ये सिर है, आपका जो चेहरा है, ये नहीं हिलेगा, केवल आँखों की पुतलियाँ आपकी हिलेंगी। जैसे देखिए दाएं बाएं, 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 दाएं बाएं। इस प्रकार ये जो व्यायाम है आपको 11 बार करना है, बिना सिर हिलाए केवल आपकी पुतलियां हिलती जाएंगी, ये आपको 11 बार करना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक आध कम भी होता है तो कोई मुश्किल नहीं है। अब उसमें आप ये मत सोचिए कि मैंने 8 बार किया, मैंने 5 बार किया, नहीं, आप उसको कोई चिंता मत करिए, बस आपको हल्का सा आपकी एक अंदाज रखिए कि आप 11 बार कर रहे हैं। देखिए आपका चेहरा ऐसे ही रहेगा और आपका जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो ऊपर नीचे जाएंगी, ये भी आपको 11 बार करना है। सिर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये हुआ आपका ऊपर नीचे। इसके बाद है आपको आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये भी आपका 11 बार रहेगा, क्लॉकवाइज 11 बार, एंटी क्लॉकवाइज 11 बार। अगर आपको बीच में आंखें झपकाना है तो आप झपका सकते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे खुला करके ही करते जाना है और मुझसे होगा या नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रहिए, आरामदायक स्थिति बहुत ज़रूरी है। तब आपका अब ये घुमाओ एंड क्लॉकवाइज रहेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये हुआ क्लॉकवाइज। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार ये आपको 11 बार करना है। इसके पश्चात है चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके सांसों पर निर्भर करेगा। अब तक आप लोग गिनती कर चुके, ये हो गया, लेकिन अब जो है ये आपके सांसों पर, आप जो अंदर लेंगे सांस और जो बाहर लेकर छोड़ेंगे सांस, इस पर आपका गिनती रहेगा, इसके ऊपर निर्भर करेगा आपको। ये कैसा है, अब आपको नाक का जो ये ऊपरी भाग है इसे दोनों आँखों से देखना है। इसे आपको 11 बार कैसे गिनेंगे इसे आप, तो इसके लिए सांसों पर निर्भर है। जैसे एक बार आप उसे देखते रहिए, नाक की टिप को देखते रहिए, ग्यारह बार। आप बीच बीच में जैसे आप एक बार सांस ऊपर लेकर छोड़ेंगे तब आँख को बंद करके खोल सकते हैं। आप आँख झपकाते रहिए, क्योंकि अगर आप लगातार इसको देखते रहेंगे तो आप ट्रांस में चले जाएंगे, मतलब आप अपने आप से में रहेंगे नहीं, तो फिर आप इस एक्सरसाइज को, इस व्यायाम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बीच बीच में आँखें झपकाइए। जैसे आप एक बार सांस लेकर छोड़ते हैं वो एक हुआ, तो इसको आप गिनती कर सकते हैं। अब है पांचवा, ये है आपका भ्रूमध्य, जो गुरुजी ने अभी बीच में तीन वीडियो भी डाले थे भ्रूमध्य के बारे में, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये जो भ्रूमध्य है, दोनों आँखों के बीच का, माथे के बीच का जो ये है, ये जो है भ्रूमध्य, इसे आपको देखना है। और इसमें भी वही है कि आप सांसों को ऊपर लेके छोड़ेंगे तब एक, फिर सांसों को ऊपर लेके छोड़ेंगे दो, तो इस तरह आपको वो गिनती करना है। तो आपका ध्यान भ्रूमध्य की ओर रहेगा,
11 बार, ये हुआ भ्रूमध्य की ओर। अब छठवां जो है हमारे हथेली की इस उंगली को लेते हैं अपन, जो बड़ी है, मध्यमा जो है वो बड़ी है, जिससे अपने को व्यायाम करने में इजी पड़ेगा, सरल होगा। देखिए, पहले आप इन भौवों को सहलाइए धीरे धीरे, और उसके पश्चात इसे बीच में रखिए और क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाइए। वो एक बार हुआ, देखिए आपकी आंखें इस समय बंद रहेगी। देखिए कैसे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5। ये 5 बार करना है, अर्थात ये अपना 15 हुआ। आप क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे, ये 1 हुआ। फिर क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार करेंगे, ये 2 हुआ। इस प्रकार आप इसे करते जाएंगे 5 बार। अब फिर लेफ्ट साइड, बाएं ओर, इसी तरह 5 बार करना है। आंखें बंद रहेंगी आपकी, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज 1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5। पाँच, ये 5 बार इधर हुआ, अर्थात 15 बार इधर और 15 बार इधर हुआ। अब आँखों के नीचे ये जो जगह है, इस पर ये भी आपका 5 बार करना है, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। इस जगह पर आपको आँख बंद करके क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार 1 होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। उसी प्रकार बाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार यहाँ भी 5 हुआ। तो ये 15 बार होगा, कैसे आप समझ गए होंगे ना। इसके पश्चात हमें हमारा ये अंगूठा और ये पहली उंगली, इस दोनों को अगला जो है 7वां, ये अंगूठा और इस उंगली को यहाँ हमारे माथे का ये जो भ्रूमध्य के नीचे नाक को पकड़ते हुए इस कोने में, अब अपन इस कोने में किए थे, अब इस कोने में इसको पकड़ना है। बहुत ही धीरे से, ऐसा नहीं कि जोर के पकड़ें, आप कोई भी चीज़ जैसे आप कर रहे हैं यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बहुत ही धीमी गति से और हल्का सा पकड़ना है आपको, बहुत जोर के पकड़ के उसको नहीं करना है। इसको पकड़ कर आप सांसों को ऊपर नीचे करना है, अर्थात सांस को अंदर खींचना है और बाहर करना है। इस प्रकार इसकी गिनती करना है हमें, इसको भी हमें 5 बार करना है। इसको ऐसा पकड़िए, आंखें बंद रखिए, 1, 2,
तीन, चार, पांच। इसके बाद आठवां बहुत ही साधारण है, दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए, इसे रगड़िए। आप जानते हैं कि इसको रगड़ने से गर्मी उत्पन्न होती है, हाथों में गर्माहट आती है। ऐसे कीजिए, जैसे ही आपको गर्माहट महसूस करेगी, गर्माहट आपको महसूस होगा, आप अपने हथेली के इस नीचे भाग को आँखों पे लगाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांसों को गहराई में लेकर उसे छोड़ना है। तो इस प्रकार आप इसकी गिनती कर सकते हैं। ये अगर आप 11 दिन तक करते हैं तो क्या होगा, ये आप खुद अनुभव करिए। हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपको कुछ बताएंगे भी नहीं कि क्यों, क्या होगा, कैसे होगा। आप लोग स्वयं अनुभव कीजिए, आप लोग खुद हम लोगों के पास आएंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ, आपने कैसा अनुभव किया और कैसा लगा आपको। ये काफ़ी है 11 दिन तक करना। अगर आप 21 दिन तक भी करती हैं, 10वें हमारे एपिसोड 10वां स्टेप आने तक भी अगर आप करती हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उतना भी काफ़ी है। ये आपको बहुत दूर ले जाएगा, बहुत ही अलग अनुभव देगा, एक अलग ही खुशी आपको देगा, आपको एक अलग तरह का आप अनुभव करेंगे और ये अनुभव आप हम तक ज़रूर लाएंगे, ये हमें मालूम है। हम लोग आपको इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, गुरुजी ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं कि ये जो अनुभव है आप अनुभव कर इसे हम तक लाइए। आप स्वयं आकर बताएंगे, आप स्वयं हमें बताएंगे कि अरे आपको ऐसा महसूस हुआ, आपको ये लग रहा है, आपको वो लग रहा है, आपको एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव प्राप्त होगा, आपको बहुत ही लाभ होगा इससे और आप स्वयं इसको जान सकते हैं और एक चमत्कारिक अनुभव के साथ आप हम तक पहुंचेंगे। और ये जो तीसरी आँख की बात है, अदृश्य आँख की जो बात है, ये आपको अगले स्टेप में या फिर इस बीच कभी आपको ज़रूर आप तक पहुँचेगा। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः, ओम सद्गुरु बाबा जी नमः, ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। नमस्ते।